हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज वीडियो रे हमें डिस्कस करिबा जीके रो मोस्ट इम्पोर्टेंट सिलेक्टिव क्वेश्चन। तो एठारे हमें जीके रो विभिन्न टॉपिक रो क्वेश्चन गुड़िक डिस्कस करिबा, जेपरि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस एवं पॉलिटिकल साइंस। तो समस्त टॉपिक रो किछि क्वेश्चन डिस्कशन करिबा। तो यार आंसर गुड़िक जदि आपण माने पारछंती निजे देबा पई चेष्टा करबी, आउ टोटल रो केते स्कोर कले ताहा निहाती कमेंट करि जणबी। वहीपर डेली क्लास करने निहाती चैनल टी को सब्सक्राइब कर दिंतु। तो चलतु स्टार्ट करिबा। हु एमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। तो एमानंक मध्यरु कहा को कहा जाय थे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। तो यार करेक्ट आंसर टी होची डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाय थे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट पैरालंपिक्स गेम्स वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय डेस। तबे फर्स्ट पैरालंपिक गेम्स क्यों कंट्री द्वारा ऑर्गेनाइज हुई थी। तो यार करेक्ट आंसर टी होची इटाली। तबे फर्स्ट पैरालंपिक गेम्स इटाली रे ऑर्गेनाइज हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग रोट संस्कृत ग्रामर। तबे संस्कृत ग्रामर किए लिखी थे। तो यार लेखक होती पाणिनी। तो संस्कृत ग्रामर किए लिखी थे पाणिनी। तो यह सहित से अष्टाध्यायी लिखी थे। तो अष्टाध्यायी किए लिखी थे पाणिनी, आउ कौन लिखी थे संस्कृत ग्रामर। क्वेश्चन नंबर फोर, इन व्हिच कांग्रेस सेशन व्हाज द डिमांड फॉर पूर्ण स्वराज एडॉप्टेड। तबे कांग्रेस रो क्यों सेशन रे पूर्ण स्वराज डिमांड करा जाय थिला। तेहर करेक्ट आंसर टी होची लाहौर सेशन। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस रो लाहौर सेशन रे पूर्ण स्वराज प्रस्ताव टी आगत होइथिला। तो ही लाहौर सेशन केबे होइथिला, तो यह होइथिला 1929 रे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज द नेशनल साइंस डे सेलिब्रेटेड टू कोमेमोरेट द कंट्रीब्यूशन ऑफ सी भी रमन। तो सी भी रमन कर स्मृति रे नेशनल साइंस डे केबे पालन करा जाय थे। तहार करेक्ट आंसर टी होची 28 फेब्रुआरी। तो 28 फेब्रुआरी को नेशनल साइंस डे सेलिब्रेट करा जाय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर व्हिच आर्टिकल कैन द पार्लियामेंट अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। तबे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो क्यों आर्टिकल अनुसार पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर पारिबे और पार्लियामेंट रो सही पावर रही छि। तो यार करेक्ट आंसर टी होची आर्टिकल 368। तो आर्टिकल 368 अनुसार पार्लियामेंट रो पावर रही छि कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर पारिबे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज एड्रेस एज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो एमानंक मध्यरु किए राज्यसभार चेयरमैन होइथंती, प्राइम मिनिस्टर ना चीफ जस्टिस ना वाइस प्रेसिडेंट ना अटर्नी जनरल। तो किए राज्यसभार चेयरमैन, तो से होइछंती वाइस प्रेसिडेंट। तो वाइस प्रेसिडेंट बा राष्ट्र उपराष्ट्रपति हो जे कि राज्यसभार चेयरमैन अटंती। और से हीपरि लोकसभा चेयरमैन किए, तो लोकसभा चेयरमैन होती बाचस्पति, आ राज्यसभा चेयरमैन होती उपराष्ट्रपति। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द सांबर लेक लोकेटेड। तबे क्यों राज्य रे सांबर लेक रही। तो यह रही राजस्थान रे। तो राजस्थान रे रही सांबर लेक।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द लोदी डायनेस्टी वाज एस्टाब्लिश्ड बाय डस, तेबे लोदी डायनेस्टी किए प्रतिष्ठा करथिले? तो यार करेक्ट आंसर टी होची बहालोल लोदी। तो लोदी डायनेस्टी रो फाउंडर किए थिले? बहालोल लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओरिजिनेटिंग पॉइंट ऑफ रिवर गोदावरी इज डेस, तेबे गोदावरी रिवर रो ओरिजिनेटिंग पॉइंट कोटा, माने केउ थारु गोदावरी नदी टी उत्पत्ति होईची? तो यार करेक्ट आंसर टी होची नासिक। तो नासिक डिस्ट्रिक्ट रु गोदावरी नदी टी उत्पत्ति होईची। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैकेंसी ऑफ द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट मस्ट बी फुलफिल्ड, सॉरी मस्ट बी फिल्ड विथ इन डेस, तबे प्रेसिडेंट को ऑफिस रे वैकेंसी केते दिन मध्य रे फिल हेबा आवश्यक? तो यार करेक्ट आंसर टी होची 6 मंथ। तबे 6 मंथ मध्य रे प्रेसिडेंट को ऑफिस रो वैकेंसी फिल अप हेबा आवश्यक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेमस नोवेल आनंदमठ वाज ओरिजिनली रिटन इन डेस लैंग्वेज, तबे फेमस नोवेल आनंदमठ ओरिजिनली क्यों लैंग्वेज रे लिखा जायतिला? तो यार करेक्ट आंसर टी होची बंगाली। तो आनंदमठ उपन्यास प्रथमे क्यों लैंग्वेज रे लिखा जायतिला? बंगाली लैंग्वेज रे। तो यार लेखक किए थिले ताहा आपण माने कमेंट बॉक्स रे कमेंट करी जणाइबे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द स्वराज पार्टी फॉर्म इन द ईयर 1922, तबे स्वराज पार्टी रो प्रेसिडेंट किए थिले? और स्वराज पार्टी केबे फॉर्म होइतिला 1922 रे? तो यार प्रेसिडेंट थिले चित्तरंजन दास। तो स्वराज पार्टी रो प्रेसिडेंट किए थिले? चित्तरंजन दास। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया अकाउंट्स फॉर व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड, तेबे वर्ल्ड रो केते परसेंट इंडिया रो एरिया अटे? तो टोटल वर्ल्ड रो 2.4% होउछि इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच कंट्री होस्टेड द 1982 एडिशन ऑफ द एशियन गेम्स, तेबे एशियन गेम्स रो 1982 एडिशन क्यों कंट्री होस्ट करिथिला? तो यार करेक्ट आंसर टी होउछि इंडिया। तो एशियन गेम्स रो 1982 एडिशन टी इंडिया रे होइथिला। द टेम्पल एट खजुराहो वेयर बिल्ट ड्यूरिंग व्हिच डायनेस्टी, तेबे खजुराहो मंदिर क्यों डायनेस्टी टाइम रे होइथिला? तो यार करेक्ट आंसर टी होची चांदेला डायनेस्टी। तो चांदेला डायनेस्टी को टाइम रे खजुराहो मंदिर निर्माण होइथिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी बायोस्फीयर रिजर्व्स आर देयर इन इंडिया, तबे इंडिया रे केतोटी बायोस्फीयर रिजर्व रहिछि? तो यार करेक्ट आंसर टी होची 18। तो इंडिया रे 18 बायोस्फीयर रिजर्व रहिछि। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ डेस, तबे द ऑटोबायोग्राफी ऑफ अननोन इंडियन, तो यह कहार ऑटोबायोग्राफी अटे? तो यार करेक्ट आंसर टी होची नीरज सी चौधरी। तबे नीरज सी चौधरी कर ऑटोबायोग्राफी होची द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स वेयर एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन द ईयर डेस, तबे मौलिक कर्तव्य, तो नागरिक मानकर जो मौलिक कर्तव्य रही तो ताहा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे केबे ऐड होइथिला? तो यार करेक्ट आंसर टी होची
1976 तो 1976 मसीह रे केतेतम अमेंडमेंट रे 42nd अमेंडमेंट तो 42वां संविधान संशोधन अनुसार फंडामेंटल ड्यूटीज गुड़िक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे ऐड होइथिला तेबे हे केउ आर्टिकल रे रही छे आर्टिकल 51 ए तो आर्टिकल 51 ए रे रही छे फंडामेंटल ड्यूटी नेक्स्ट क्वेश्चन हु आर द वायसराय व्हेन दिल्ली बिकम द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया तेबे इंडिया रो कैपिटल दिल्ली हवा समय रे तो इंडिया रो वायसराय किए थिले माने कहा समय रे इंडिया रो कैपिटल दिल्ली होई थिला तो यार करेक्ट आंसर टी होची लॉर्ड हार्डिंज तो लॉर्ड हार्डिंज को टाइम रे इंडिया रो कैपिटल दिल्ली होई थिला किंतु एहा पूर्वरु इंडिया रो कैपिटल कोटा थिला कोलकाता नेक्स्ट क्वेश्चन व्हेन वाज आरटीआई एक्ट इनेक्टेड इन इंडिया तबे आरटीआई एक्ट केबे इंडिया रे इनेक्ट होइतिला एहार करेक्ट आंसर टी होची 15 जून 2005 तो आरटीआई एक्ट केबे इनेक्ट होइतिला 15 जून 2005 मसिया रे नेक्स्ट क्वेश्चन हवाई आइलैंड इज लोकेटेड इन डैश तेबे हवाई द्वीप केउठारे रहिछि ते हे रहिछि पैसिफिक ओशियन रे माने प्रशांत महासागर तो प्रशांत महासागर रे रहिछि हवाई आइलैंड नेक्स्ट क्वेश्चन हु इज द ऑथर ऑफ आइन ई अकबरी तो आइन ई अकबरी रा लेखक किए थिले तो से होचंती अबुल फजल तेबे आइन ई अकबरी रा ऑथर होचंती अबुल फजल नेक्स्ट क्वेश्चन आर्टिकल 343 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू द डैश तेबे आर्टिकल 343 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो जो आर्टिकल 343 रही छि तो ताहा का सहित रिलेटेड अटे तो यार करेक्ट आंसर टी होची ऑफिशियल लैंग्वेज तो आर्टिकल 343 रे ऑफिशियल लैंग्वेज रही छि नेक्स्ट क्वेश्चन हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस प्रीएम्बल इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तबे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रे किए प्रीएम्बल इंट्रोड्यूस करथिले तो यार करेक्ट आंसर टी कोन हबो ताहा आपण माने कमेंट बॉक्स रे कमेंट करी जणैबी अहिपर डेली क्लास करने निहाती चैनल टी को सब्सक्राइब कर दिंतु आने कौन सी टॉपिक रे वीडियो दरकार थिले कमेंट माध्यम रे जनई परबे ओके धन्यवाद।